शुक्रवारपासून नागपुरात मध्य भारतातील सर्वात मोठी कृषी प्रदर्शनी अॅग्रोविजनचे आयोजन करण्यात आले असून या प्रदर्शनीचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. 24 ते 27 नोव्हेंबर पर्यंत चालणाऱ्या या कृषी प्रदर्शनीत यंदा 31 कार्यशाळा आयोजित होणार असून शेतकऱ्यांना विविध विषयावर मार्गदर्शन होणार आहे. उद्घाटन प्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, गुजरात राज्याचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती राहील. 24 नोव्हेंबर पासून नागपूर दाबा परिसराच्या पीडीकेव्ही या मैदानावर अॅग्रोविजन कृषी प्रदर्शनीचे उद्घाटन शुक्रवारी करण्यात आले. उद्घाटन प्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची व गुजरात राज्याचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांचे मोलाचे मार्गदर्शन केलं. अॅग्रोविजन प्रदर्शनीचे 14वे वर्ष असून शेतकऱ्यांना विविध विषयावर पडणाऱ्या अडचणीतून निघण्याचे मोलाचे मार्गदर्शन प्रदर्शनीच्या माध्यमातून मिळावे या हेतूने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याची सुरुवात केली होती. आणि आज 14 वर्ष अॅग्रोविजन या कृषी प्रदर्शनीला होत असल्याचा आनंद आयोजक मंडळातर्फे बघायला मिळाला. उद्घाटन प्रसंगी बोलताना शेतकऱ्यांना पर्याय म्हणून शेतीपूरक वस्तू व स्मार्ट शेतीविषयी नितीन गडकरी यांनी जोर दिला असून शेतकऱ्यांची परिस्थिती जगाच्या बाजारात कशी उत्तम करता येईल या विषयावर नितीन गडकरी यांनी जोर दिला. और ये इसका शुभारंभ भी लगभग डिझाईन हो गया है, पैसा हो गया है, शायद आज उपमुख्यमंत्री आएंगे तो इस समय इसी कार्यक्रम में इसका भूमिपूजन हम करेंगे ताकि इसकी भी शुरुआत कार्य की या होगी. एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसी एग्जीबिशन हॉल के आगे में हम लोग एक 3-स्टार होटल बना रहे हैं ताकि ये जो हमारा एग्रीकल्चर कन्वेंशन सेंटर है ये साल भर वर्ल्ड के कन्वेंशन यहाँ होते रहेंगे, एग्रो कन्वेंशन होते रहेंगे और निश्चित रूप से देश के किसानों को एक नई दिशा मिलेगी. मुझे बहुत खुशी है कि इस बार जो हमारे तंत्रज्ञान है उसमें हलद, आलो, अदरक जिसको बोलते हैं, संतरा, केळी, बाद में उसकी निर्यात ऊस, शेळी मंडी पालन, कुक्कुट पालन और उसका एक्सपोर्ट और नर्सरी और सीड, ये दो महत्वपूर्ण फील्ड है. इसमें हमारे कृषि विद्यापीठ काम कर रहे हैं और मैंने उनसे अनुरोध किया आप खुद तैयार करिए अच्छा सीड और कलम, नहीं होता है तो प्राइवेट सेक्टर को मदद करिए, नहीं होता है तो वर्ल्ड से तंत्रज्ञान लाइए, पर हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिए और उत्पादन खर्चा कम होना चाहिए. मुझे खुशी हुई कि इस बार हमने ड्रोन से स्प्रेइंग चालू किया, नैनो यूरिया और मिश्र खत का उपयोग किया. मेरे खेत पर भी हुआ है, हमारे शुगर फैक्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट वर्मा करके है क्या वर्मा जी है, हाँ, इन्होंने 2 ड्रोन लाए और हमने इस समय 4,500 एकड़ स्प्रेइंग किया. अगर 1 एकड़ गन्ने को 4 बोरे यूरिया लगता था तो उसके बजाय हमने 2 बॉटल में काम किया इसका, क्योंकि जब यूरिया हम फेंकते हैं तो 75% नुकसान होता है और 25% प्लांट को जाता है, पर जब हम ड्रोन से स्प्रेइंग कर रहे हैं तो उसमें से 25% वेस्ट होता है और 75% प्लांट को जाता है. इसलिए 1 एकड़ में 4 बोरे मिश्र खत और 4 बोरे यूरिया के बजाय 50% रिक्वायरमेंट कम हुई है, इसकी मुझे बहुत खुशी है. अब पूरे विदर्भ में हर गाँव में जैसे मळणी यंत्र है. त्याचप्रमाणे गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी शेतकऱ्यांना आपल्या अनुभवातून येणाऱ्या दिवसात नैसर्गिक शेती करण्यावर जोर देत काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. उस लंका देश ने श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई और उसी का हवाला इस समय हमारे देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दे रहे हैं और खूब देश में उसका प्रचार कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग श्रीलंका ने की, श्रीलंका बर्बाद हो गया, कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा और सारे साइंटिस्ट पिछले 30-40 सालों से लोगों में जो प्रचार करते रहे न तो किसान में लोकप्रिय हो पाई और साइंटिस्ट आज इस बात को कहते हैं कि रासायनिक खेती ही एक इलाज है, इसके बिना हम देश का पेट नहीं भर सकते. अब इतनी बात दो हो गई आपके बीच में, अब मैं तीसरी बात की ओर आता हूं. जब मैंने 3 वर्ष लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग की और मेरे को कुछ मिला नहीं तो मैं दोबारा रासायनिक की ओर जाने वाला था. इस बीच में जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है,
उसका मेरे को परिचय मिला कि प्राकृतिक खेती क्या है। मैंने सोचा भाई 5 एकड़ में ये भी करके देख ले, ये नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती क्या है। रासायनिक तो मैंने की है, जैविक 3 साल कर ली, अब प्राकृतिक खेती क्या है, तो वो आप थोड़ा जरूर ध्यान करेंगे। प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत क्या है, आप जंगल में गए होंगे, जंगल में अनेक तरह के पेड़ पौधे खड़े हैं, आप सबसे मैं पूछता हूं उन पेड़ों को यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, जंतुनाशक दवाई कौन उनमें डालता है, अलग से गोबर की खाद कौन देता है, उनमें वर्मी कंपोस्ट कौन डालता है, कोई भी नहीं डालता। लेकिन जंगल का पेड़ जब फल का समय आता तो फलों से लद जाता है, और जंगल के किसी भी पेड़ के पत्ते को तोड़िए, आप लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में ले जाइए, उस जंगल के पेड़ के पत्ते में एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। उसमें नाइट्रोजन कहां से मिला, फास्फोरस कहां से आया, मैग्नीशियम कहां से मिला, पोटास फास्फोरस कहां से मिला, जिंक आयरन कहां से मिला, सारे पोषक तत्व जब जंगल के पेड़ में हैं तो मेरे खेत के पेड़ में क्यों नहीं होंगे। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। समझ में आई बात? अब इसका सिद्धांत क्या दिया, आज के दिन सबसे बड़ी चुनौती सारे विश्व के लिए जो बनी है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी चुनौती है। यदि इसी प्रकार से हम रासायनिक खेती करते रहे और जैविक खेती के द्वारा मीथेन वायुमंडल में फैलाते रहे, मैं जो बात कह रहा हूं इस समय मेरी टीम में 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनमें कुछ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, अलग अलग वैज्ञानिक मैंने अपनी टीम में रखे हैं, और मेरे वो सभी वैज्ञानिक घोर विरोधी थे, सब मेरा विरोध करते थे कि जिस प्राकृतिक खेती की बात ये करता है देश को भूखा मारने का प्रोग्राम है। लेकिन वही सारे साइंटिस्ट आज मेरे साथ जुड़कर नए नई खोज कर रहे हैं। 27 नोव्हेंबर पर्यंत चालणाऱ्या अॅग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनीत शेतकऱ्यांसाठी विविध स्टॉल सुद्धा ठेवण्यात आले असून मोठं आयोजन यंदा करण्यात आलं आहे। यंदा 5 लाख शेतकरी या कृषी प्रदर्शनीचे लाभ घेण्याचा विश्वास आयोजन मंडळातर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे। नागपूरहून मुकेश हेडाऊची रिपोर्ट, VKB न्यूजसाठी। शहरातील